नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। विधानसभा कोराओं के लोकप्रिय विधायक राजमणी कौल द्वारा अपने विधानसभा का तूफानी दौरा किया गया। हमारे सहयोगी उमाशंकर कुशवाहा के मुताबिक प्रयागराज कोराओं के विधायक राजमणी कौल द्वारा विधानसभा कोराओं के उपरोध क्षेत्र का तूफानी दौरा कर कई गाँव में जाकर लोगों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ ही भाईचारे व सौहार्द के त्यौहार होली की शुभकामनाएं भी दी। भ्रमण कार्यक्रम के अंत में अपर शासकीय अधिवक्ता ज्ञान नारायण कनौजिया के निवास स्थान हाटा में ग्रामीण लोगों से औपचारिक भेंटवार्ता भी विधायक जी ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से ज्ञान नारायण कनौजिया, अपर शासकीय अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व प्रधान राजेश्वरी प्रसाद पछेंडा, कृष्ण चंद्र सिंह प्रधान, उमाशंकर कुशवाहा, रविशंकर द्विवेदी एवं विधायक प्रतिनिधि के अलावा कई लोग मौजूद रहे। ये जानना चाहता हूँ कि अभी अभी होली का त्यौहार समाप्त हुआ है और होली के त्यौहार के बाद ही आप वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं, आज का मेरा भ्रमण जो है, मैं तो हमेशा से घूमता रहा हूँ। होली के पहले भी घूमा था, होली के बाद भी घूमूंगा। एक तो आपसी जो भाईचारा है होली के बाद मिलने जुलने का एक चीज है। दूसरी बात, आज का सांत्वना देना है, उनके घर जाना है, ऐसे परिवारों में जाने के लिए आज का समय है। और इसी दिन पर मैं हर गांव में घूमूंगा और होली के बाद मुझे कार्यकर्ताओं के घर जाना है, मिलना है, उनका हाल चल लेना है। इस पर्पज से मेरा घूमना भ्रमण हो रहा है। अभी जो है पंचायत चुनाव सामने आ रहा है और पंचायत चुनाव में पार्टी स्तर से आपका क्या? नहीं, पार्टी स्तर से जो जिला पंचायत की सीटें हैं उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान का पद है और उससे इसका पद है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, ये ग्राम पंचायत स्तर पर वो स्वयं में लड़ेंगे। लेकिन जो जिला पंचायत का सदस्य चुना जाएगा वो पार्टी के सहयोग से चुना जाएगा, पार्टी का ही कार्यकर्ता उस पर चुनाव लड़ेगा, उसमें पूरी मदद होगी, हम लोग भी उसके साथ रहेंगे, प्रचार करेंगे, पूरी ताकत के साथ जिताएंगे। तो उसमें आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव? मुद्दा हमारा यह है विकास, हम तो निचले स्तर से विकास देना चाहते हैं। अभी जो हमारी सरकार 4 साल की हुई, चार साल की उपलब्धियों को गाँव में जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग पहुँचाएँ वहाँ पर। चूँकि सरकार की नीति है कि हम गांव को बढ़ाएंगे तो गांव का जो हमारा प्रतिनिधि होगा, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होगा, वो मजबूती से अपनी बात को वहां तक पहुंचाए और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो गरीब जनता, किसान, मजदूर के पास पहुंचनी चाहिए, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से जब हमारा प्रधान होगा, हमारा जिला पंचायत सदस्य होगा, तो उसके माध्यम से सरकार की योजनाएं गरीब घर तक पहुँचेंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ और इसी विश्वास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इसके माध्यम से हम क्षेत्र का, गांव का विकास करेंगे।